तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूप तक बात कर ली थी, आज हम जो है वो एरे की बात करेंगे। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था क्या, थ्री डी अगर नहीं एक नहीं 2D तक है आपके सिलेबस में, 3D होता है लेकिन हमने पढ़ा है। बेटा एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, इसका बेटा पर्पस होता है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, दो टाइप के बेटा एरे हैं जो आपके सिलेबस में है, एक बेटा कहलाता है जिसे हम नाम दे लेते हैं 1D एरे, सही है बेटा, और एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं बेटा 2D एरे, सही है। वन डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि डाटा जो होता है वो स्टोर होता है ना फॉर्म ऑफ लिस्ट। चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम जो कवर करेंगे सर वो बात करेंगे 1D एरे के ऊपर। टू स्टोर डाटा इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा 1D एरे जो होता है वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें किसके अंदर बेटा, लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि सर डिक्लेरेशन कैसे होती है इसकी। तो बेटा डिक्लेरेशन इस तरह से होती है, होगा यार ये जरा पता नहीं क्यों मसला कर रहा है। डिक्लेयर कैसे करते हैं बेटा, यू विल लाइक डिक्लेयर उसके बाद बेटा आप बताएंगे एरे का नाम। जैसे चले मैं ये कह देता हूं यहाँ पे नाम, उसके बाद बेटा आप लिखते हैं एरे। उसके बाद बेटा क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, असल में ये तुम्ही से। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, उसकी डेटा टाइप आ जाती है। सही है बेटा, आप जरा देखें स्कोप। तो अगर हम इस कोड को अंडरस्टैंड करें बेटा, तो डिक्लेयर का क्या है, डिक्लेयर एक कीवर्ड है, मैं इसके साथ KW लिख रहा हूँ, सही है। एरे जो है बेटा ये कीवर्ड है, ऑफ जो है वो कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब ये लाजमी हो, ये लाजमी होगा, इसके बगैर एरे डिक्लेयर नहीं होगा। ये क्या है बेटा, एरे एरे नेम कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है बेटा, एरे साइज कहलाता है, सही है। फिर उसके बाद बेटा ये क्या आ जाता है, ये जो है इसकी डेटा टाइप कहलाती है। समझ आ रही है सर मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन कहलाती है। अब जब आप ये लाइन लिखते हो ना बेटा कोड के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर ये कंप्लीट एक लिस्ट बन जाती है इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। नाम क्या हो गया बेटा इसका, नाम 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास क्या बन गया सर, ऑर्डर बन गया इसका। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसके अंदर डाटा को क्या करना है सर, सेव करना है। तो उसके लिए आप याद रखें एरे हमेशा किसके साथ चलता है, फॉर लूप के साथ चलता है। ठीक है, तो फॉर से भी हो सकता है, वाइल से भी हो सकता है, रिपीट से भी हो सकता है, मैं तीनों से आपकी खुशी के लिए ये लिख के दिखा देता हूँ। फॉर काउंट 1 to 5, इनपुट नाम, काउंट आ गया बेटा, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया। ओके, समझ आ रही है बेटा मेरी बात यहां तक। जी अब ये बेटा लूप कौन सा है, ये वाइल फॉर लूप है। अगर मैं अगेन आपसे ये कहूँ इसको वाइल लूप से करके दिखाएं, चले इसको हम कलर थीम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 1। तो भाई से क्योंकि रेंज 1 से दी हुई है ना,
वाइब्रेट वाइन कहीं से भी यूज कर सकते हो, वो मसला नहीं है। डू इनपुट नाम काउंट, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। फिर आ जाएगा बेटा एंड वाइन, सही है जी। अब उसके बाद बेटा रिपीट, तो रिपीट में भी आप यहाँ क्या करेंगे, सर बोला तो इनपुट के लिए इनपुट होगा बस, आउटपुट के लिए आउटपुट हो जाएगा। मैसेज प्रॉम्प्ट की बात, प्रॉम्प्ट ये कंपलसरी नहीं होता। उसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिपीट, सही है। अब देखिए तीनों का डिफरेंस समझे, मैंने साथ साथ क्यों लिखा है, ताकि भाई अब आप इस मसले से बाहर आ जाएं, ए लेवल्स में आ गए, बड़े हो जाएं, कि सर व्हाइल कैसे चलता है, भाई क्यों याद होना चाहिए आपको ये चीज, फॉर कैसे चलता है याद होना चाहिए सर, अगर इन मसलों में फंसे रहेंगे तो आगे जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये एक ही लाइन में तीनों कोड चला के दिखा दिए बेटा, सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड ये काम कैसे हो रहा है। अब मुझे अभी एक और चीज समझानी है, अभी पूरा कोड समझाना भी है मुझे। अंटिल काउंट ग्रेटर देन क्या है बेटा, 5 होगा। 5 का सीन क्यों है भाई, सिंपल है यार, रिपीट अंटिल के अंदर इतना बड़ा मसला नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब आप पहला डाटा एंटर करोगे तो काउंटर 2 हो चुका हो, अगर मैं उसे वहीं रोक दूंगा तो काउंटर तो 2 होगा लेकिन वैल्यू तो 1 एंटर हुई है ना, जब 2 पे एंटर हुई है तो काउंटर 3 होगा, इसका मतलब जब मैं 5 वैल्यूज एंटर करूंगा तो काउंटर क्या होगा, 6 होगा, तो मुझे ग्रेटर पे रोकना है उसको, अगर मैं इक्वल टू 5 पे रोकूंगा तो फिर वो 4th वैल्यू एंटर नहीं होगी, हाँ लेसर देन 6 करेंगे तो वो पहली दफा में ही रुक जाएगा, बिकॉज लेसर देन 6 है तो इसका मतलब रिपीट अंटिल 2 पे रुकता है, सो वो पहली दफा में ही रुक जाएगा ना सर। ये देखो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो समझनी है। अब बेटा देखो ये कोड हमारे सामने आ गया, अब देखो एक चीज समझो, अभी मैं फॉर लूप को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको फॉर में समझ आए कि फॉर में क्या हो रहा है। बेटा देखो काउंट की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, क्या है यार, काउंट की वैल्यू बेटा फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, 1 नहीं, ठीक है, तो नम किसको रेफर कर रहा है यहां पर, नम बेटा रेफर कर रहा है यहां पर एरे, सही है, नम बेटा यहां किसको रेफर कर रहा है, एरे को रेफर कर रहा है, और ये जो 1 है बेटा ये इसकी क्या हो गई, ऐसे समझ लो भाई, मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूं कि आपने एक बिल्डिंग बना ली, नम जो है उस बिल्डिंग का नाम है, और किस फ्लोर पे आपने जाना है ये उसका इंडेक्स होगा, तो अगर 1 पे सेव करना है तो काउंट 1 होगा, तो बेटा कहाँ जाएगा डाटा, यहाँ जाएगा, ठीक ठीक है, लिफ्ट की तरह काम कर रहा है, 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा, कब काउंटर जब 3 होगा तो डाटा यहाँ जाएगा बेटा, जब काउंटर 4 होगा तो डाटा यहाँ आएगा, और जब काउंटर 5 होगा तो डाटा यहाँ जाएगा, सही है, यहाँ तक बेटा समझ आती है बात, ऐसे वही लगा हुआ डायरेक्ट, मैं चेंज करता हूँ। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, चले अभी ये वाला कोड तो समझ ले, अब देखें यहां पर काउंटर को फर्स्ट टाइम में बेटा मैंने क्या रखा, 1, 1 इज लेसर देन 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद बेटा यहाँ पर मेरे पास नम और काउंटर क्या है, 1 है, तो डेटा कहाँ जाएगा, 1 पोजीशन पे जाएगा, काउंटर प्लस 1 वाइल में और रिपीट में करना जरूरी होता है, ये आप याद कर ले बात, सही है, और उसके बाद बेटा क्या हो गया यहाँ पर एंड वाइल हो गया, अब ये प्रोसेस बेटा आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा, सही है, ये आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूशन में रहेगा, अब आप कोई भी लूप इस्तेमाल करें आपका काम बेटा हो जाएगा, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, डाटा एंटर कर सकते हो किसके अंदर बेटा, बेटा डाटा एंटर कर सकते हो एरे के अंदर। अब चले मैं अब आपको कोड दे रहा हूं, आपको मैंने सिर्फ इनपुट सिखाया ना,
अब मैं आपको आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप इसकी टोटलिंग मुझे करके दिखाइए, ठीक है? उसके लिए आपको मुझे कोड देना पड़ेगा करने के लिए। तो सर आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, यहां तक मुझे ये बता दें पहले, अगर किसी को कोई सवाल है तो। एग्जाम मैंने ये बताया था कि रिपीट का लूप ट्रू पे रुकता है, बस यही बात मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर आप लेसर दे नहीं लगा सकते। चले अब बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन करके दो। सुडो कोड डेट प्रिंट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स लिस्ट, ठीक है? प्रिंट द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स लिस्ट, यानी के टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट लिस्ट बता दीजिए। हाँ स्टूडेंट मार्क्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन एन एरे सही है सर, जी। और पासिंग मार्क्स 17। तो बेटा ऑलरेडी एरे के अंदर मार्क्स मौजूद हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हैं, ठीक है? आपने इसको फोर से नहीं करना, अब आप बड़े हो जाएं, रिपीट एंड वाइल से करके दें, फोर की जान छोड़ दो। सही है, मैं रिकॉर्ड को ये पॉज कर लेता हूँ, सब लोग जो लोग वीडियो देख के कर रहे हैं वो भी वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सॉल्व करके फिर आंसर देखिए। बेटा जरा देखिएगा, अब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि राइट द सूडो कोड दैट प्रिंट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स लिस्ट, यानी कि एक एरे बना हुआ है ऑलरेडी, उस एरे के अंदर बेटा टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 500 है, सही है? 1 से लेके 500 एलिमेंट्स हैं। तो लूप कितनी बार चलेगा? 500 बार चलेगा। तो आपने सबसे पहले बेटा यहाँ क्या करना होगा, एक बनेगा सिंपल लूप का काउंटर, एक बनेगा पास काउंटर, ताकि हम काउंट कर सकें कि कितने स्टूडेंट पास हैं, सही है? उसके बाद इनकी डेटा टाइप आ गई बेटा इंटीजर, सही है? अच्छा अब बेटा मैंने यहाँ पर काउंट को क्या किया, काउंट को जो है वो मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। अच्छा देखिए इस चीजों का ख्याल रखिएगा, हसन सुन ले बेटा, जब रेंज आपको 1 से 500 दी गई है ना, तो लूप भी कोशिश करना 1 से 500 चलाओ, क्योंकि सूडो कोड के अंदर 1 से भी चल सकता है और 0 से भी चल सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा 0 से चलता करेंगे। हाँ है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ अगर वो ये लिख देता, मैं अगर ये लिख देता अपने क्वेश्चन के अंदर 499, तो फिर आप 0 से चलाते, होता तो ये भी 500 ही ना, ठीक है? बस फर्क समझ आ गया मेरे, मैंने क्या बताया। अच्छा अब बात ना को डिक्लेयर नहीं होगा उस रेंज में आप चलाएंगे। बेटा कोई कुछ कह रहा है क्या? सर, एरे डिक्लेयर नहीं होगा क्या? तो जरा इसको कंप्लीट करने दो मेरे भाई, फिर तुमसे बात करता हूँ, वरना ये रिकॉर्डिंग मुझे पॉज करनी पड़ेगी, सही है? सॉरी। अच्छा काउंट 1 हो गया बेटा, उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल, ठीक है? काउंट लेसर देन इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, 500, और डू आ गया, ओके। अच्छा अब एक और काम करना है बेटा, पास काउंट को आप इनिशियलाइज करोगे किसके साथ, 0 के साथ, सही है? अब उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इफ फंसे हुए थे ना यहाँ पे, इफ लगाया नहीं, एरे की जो वैल्यू उसका आप भूल रहे थे, इफ
एरे से वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं होती, बस एरे को दर्शन बस शुक्र है। इनपुट की जरूरत है क्या यार? इनपुट जब होगा ना बेटा, जब जरूरत है। ओके वो क्या कह रहा है, एरे के अंदर ऑलरेडी डेटा सेव है, कैलकुलेट चल काउंट करके बताओ कि कितने। चल बस तो जितने स्टूडेंट के ग्रेड बेटा मार्क्स जो है वो 70 या 70 से ग्रेटर होंगे तो फिर हम क्या करेंगे बेटा? पास करो पास पास काउंट इज इक्वल टू पास काउंट प्लस वन। तेरे कॉल दिया मैंने तुझे अच्छा सवाल था नहीं? आई और उसके बाद बेटा आपके पास एज इट इज काउंटर अपडेट हो जाएगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये लूप का काउंटर है बेटा। और उसके बाद बेटा क्या गया? एंड वाइल। ये मैं आप लोगों को ना पढ़ाते पढ़ाते सोच रहा होता हूँ, मुझे पता नहीं होता तो मैंने क्या सवाल दे रहा। हाँ लेकिन ये कि मैं आप लोगों की सिचुएशन हर क्लास के लिए मैं अलग सवाल बना रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम था मैं आपको ये दूंगा। लेकिन मैंने कहा बच्चों को कहाँ मसला लग रहा है, मैं अभी आपको इंडेक्सिंग के साथ चीजों को समझाना चाह रहा हूँ। तो ठीक मैंने है 2D भी करा दें, 2D भी इसी तरह से, 2D की भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। फिर मैं आपको बबल सॉर्ट 2D के साथ करा, सही है, ताकि प्रॉपर चीजें हो जाए। वही उसके भी सवाल तो नहीं नहीं वो भी कराऊंगा, बेफिक्र रहो। इस मैंने पता क्या किया है? नहीं मैंने पता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैंने ये ए लेवल सूडो कोड निकाले, ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा, मुझे जरा याद दिला दो। देखो ये मैंने क्या किया है, बेसिक सूडो कोड बेसिक क्वेश्चन पास एयरली पास पेपर से निकाला है। अब ये सवाल चल रहे हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट करेंगे ये सारे के सर। पेपर बच जाएगा आपको, आपको हर टॉपिक आपका ना टच हो जाएगा फाइनल एंडिंग आगे प्रोसीजर के साथ। नहीं लेटेस्ट नहीं नहीं फिर ये एरे आ गया, फिर एरे आ गया, 2D एरे आ गया, 2D एरे का बबल सॉर्ट आ गया, ये सब इसके अंदर मौजूद है सिर्फ। ये आप मुझे याद दिला देना मैं। अरे एक एक सवाल करेंगे ना, टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल था। अच्छा बेटा बस वापसी आओ जल्दी से, ये सारा प्रोसेस हो गया भाई। अब उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे? आउटपुट आउटपुट पास का होगा, सही है सर, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये हमें क्या करना था बेटा? रिपीट और वाइल दोनों से करना था, मैंने वाइल से कर दिया, रिपीट से आप लोगों ने कर लेना है अगर नहीं किया है तो, सही है। चले अब बेटा सर पहचान चेक कर लो भाई, किसी का कोई मसला है तो। क्या अच्छा बस अब बेटा आगे बात को लेके चलते हैं। अच्छा बेटा चले बस बेटा, सूडो कोड लिखना है आपने। अरे आप ही हाँ जी, दैट इनपुट बोल एज ऑफ रहे स्टूडेंट्स एंड स्टोर इनटू द एरे इसमें सो कर ओनली स्टोर एज दैट इज ग्रेटर देन 18, सही है सर। आपने एज इनपुट करनी है और स्टोर जो है वो आपने एरे के अंदर करनी है, और एरे का साइज कितना है? 200 है, सही है। लेकिन एज आपने स्टोर कितनी करनी होगी? जो 18 से ज्यादा होंगे सर ये, हाँ 18 से ज्यादा होंगे। पहली बार
अब सवाल को ना डिस्कस करने से बेहतर ये है कि चुप करके समझो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे लूप होल्स डाले, इसके अंदर लूप होल्स हैं, इसके अंदर आपको सीधा सीधा लगेगा कि 200 दफा लूप चला है और उसके बाद जो है ना एज स्कोर कर दें। ऐसा ठीक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि 200 तक स्टूडेंट्स की एज एंटर करनी है, लेकिन सिर्फ तक 18 हो सकता है 200 में से 400 एंटर करें, लेकिन सिर्फ 200 है जो है वो 18 से ज्यादा हो तो 200 स्टोर होंगी, बाकी 200 जाए हो जाएंगी, वो स्टोर ही नहीं होंगी। समझ आई सर? फॉर इसमें फॉर लूप लगेगा ही नहीं, इसमें फॉर लूप लगेगा ही नहीं, इसके अंदर व्हाइल और रिपीट लगेगा, फॉर वाला की सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आइटरेशन हमें मेंशन ही नहीं है कितनी होगी। समझ आ रही है? तो बेटा करें, सोचे, दिमाग लगाए, रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लाजमी तौर पर पहले सॉल्व करें, उसके बाद बेटा आंसर देखिए।